अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताना था कि हमें मिली हैं दो मुर्गियाँ गिफ्ट। ये मेरे दोस्त के पास थी दो मुर्गियाँ एक मुर्गे के साथ। उनको चाहिए थी असील मुर्गी, फिर वो असील मुर्गी ले आए और ये वाली फिर उनके पास एक्स्ट्रा हो गई थी। उनको पता था कि भाई मेरे पास ये तीन मुर्गे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहा कि ये मुर्गियाँ आप ले लें, अपने मुर्गियों के साथ छोड़ लें। तो उन्होंने ये हमें दे दिए दो मुर्गे हैं, ये हमने किसी को दे देने हैं। या कोई मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, उसे चाहिए था ये वाला बड़ा मुर्गा, तो वो हम उसे दे देंगे और फिर दूसरे का देखेंगे क्या करना है। अभी तो ये रखेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटा है, तो जितना अच्छा ये यहाँ पे रहेगा फिर ये इनके साथ फिरता रहेगा, क्योंकि बड़ा मुर्गा जो है ना ये सबको मारता है। इसको हमने बंद करके रखा हुआ है। और ये जो गोल्डन स्प्राइट है, इसकी जो फीमेल है ये अंडा देने वाली है, ये यहाँ पे गई हुई है पिंजरे के अंदर, क्योंकि ये देती है ना इस बॉक्स के अंदर अंडा। दोस्तों, मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ भी थी, तो मैंने आपको बतानी थी। तो मेरा बड़ा मुर्गा है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जिसमें मैंने जितनी भी मेडिकेशन की है कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे उसको, और जो लोगों ने बताया था कि ये खिलाओ वो खिलाओ, जो चीज़ भी उसे खिला दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। दिन ब दिन वेट कम होता जा रहा है उसका ना। मैंने चेक किया कि अंदर कुछ है ही नहीं, बस एक जिंदा परिंदा है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, उसको देखते हैं अब क्या करना है। मुझे तो लगता है कि उसे किसी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उसको हलाल नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाएगा उसे इस तरह ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज उसकी। मैंने ना मुर्गे को ऊपर रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि नीचे जो थी ना सारे परिंदे इसको मारते थे, सारी मुर्गियाँ भी मारती थी। मुर्गे तो दूर की बात है, मुर्गियाँ भी इसको मारती थी। तो मैंने इसको ना ऊपर पिंजरे में रख दिया था। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि भाई इसकी हालत इस टाइम क्या है। ये देखे ना, ये बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया यार, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये हिल भी नहीं सकता, इस ऐसे ही बैठा रहता है। इसका ताज भी गिर गया, इसका कलर भी सारा चेंज हो गया। ये देखे ना, इसको मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ, इसकी ये हालत है यार। देखेंगे हिल भी नहीं सकता, ये ऐसे ही लेटा रहता है। ये वाली जो इसकी टांग है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे ये टांग ऊपर से है ना, वैसे ही अंदर से है। अंदर इसका जो गोश्त वगैरह था वो ख़त्म हो गया। तो यार ये चीज़ बहुत अजीब है, या क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, मुझे नहीं समझ आ रही इसका क्या किया जा सकता है। तो इसको ना मैं सोच रहा था किसी को दे दें, क्योंकि मैं इसको खुद से हलाल नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जाके इसकी हालत और ख़राब होनी है, मुझे ये लग रहा है। तो यार मुझे नहीं समझ आ रही। तो दोस्तों, अपना इसको दे के आते हैं, क्योंकि मैं इसे और तो ठीक नहीं कर सकता। जितना मैंने इसको कर सकता था मैंने इसे किया, मेडिकेशन किया, इसके पाँव के ऊपर मालिश वगैरह किया, जो हो सकता था किया है। लेकिन इसकी एक टांग ख़राब थी, उसके साथ दूसरी भी ऐसे ही ख़राब हो गई बैठे बैठे। तो अब इसको ले चलते हैं, दे के आते हैं, क्योंकि मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा इसको देखना ना इस तरह से। पहला फिर चलते हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों, मुर्गा मैंने जाके दिया है, वो हलाल कर लेंगे उसे, क्योंकि मैं उसे खुद हलाल नहीं कर सकता था और ना ही मैं उसे इस तरह मरते हुए देख सकता था, क्योंकि वो दिन ब दिन और वीक होता जा रहा था और उसका कोई बचने के चांस नहीं थे। तो वो उन्हें दिया है, और उसके बाद अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, और हम आगे और भी लेंगे परिंदे, मुर्गा उस तरह का और लेके आएंगे। बाकी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, लव बर्ड मैंने सारे ना नेस्टिंग डाल दी थी, अब देखते हैं नेस्टिंग बना लिए कितनी बना ली, तो वो बना रहे थे मैंने देखी, तो देखते हैं अंडे वगैरह भी कब तक देंगे वो। जी दोस्तों, लव बर्ड तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉकटेल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी भी नेस्टिंग डाल दी थी ना उस दिन। तो अब चेक करते हैं कि उनके अंडे वगैरह आए हैं या नहीं, क्योंकि वो अंदर बाहर बॉक्स के ना आ जा रहे हैं। तो पहले वो देखते हैं, सारे परिंदों को ही देखते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि बजीज का क्या बना है, और लव बर्ड का है, रिंगनेस का, और कॉकटेल का, सबके लिए। दोस्तों, सबसे पहले कॉकटेल से स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट में पड़े हुए ना कॉकटेल ही पड़े हुए। तो ये कॉमन पाइट का पेयर है, वो वाली फीमेल है और ये वाला मेल है। तो हम पहले जाके इसमें देखते हैं कि इसमें अंडे वगैरह आए हैं या नहीं। तो ये देखें दोस्तों, इन्होंने नेस्टिंग तो कर ली है, अंदर बैठे होते हैं, लेकिन अंडे कोई नहीं आए। तो आगे देखते हैं, दूसरा पेयर ये वाला है, इसमें ये वी पाइट का मेल है और वो कॉमन पाइट की फीमेल है। इसके देखते हैं कि अंडे आए हैं या नहीं, क्योंकि ये भी बॉक्स में आ जा रहे हैं। जी दोस्तों, इन्होंने अंडे दिए हैं, दो अंडे आए हैं इनके। अंडे इनके पाँच से छः होते हैं, वो मैं आपको ना फिर बाद में दिखाऊंगा कि अंडे इनके जिस तरह ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, इनके कोई चांस नहीं है, बॉक्स में आ जा ही नहीं रहे ये, क्योंकि ये सारे मैंने
तो एक तो वो टेम वाला पेयर है और दो मैं और लेके आया था, क्योंकि जो पहले दो थे ना मेरे पास टेम वाले वो दोनों मेल लग रहे थे, फिर मैं दो फीमेल्स लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं इनका भी कोई अंदर जा रहे हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये अंदर बिल्कुल नहीं आ जा रहे, क्योंकि इनकी जो नेस्टिंग है ना वो मोटी मोटी है। कॉकटेल जब अंदर जाते हैं ना बॉक्स में तो वो नेस्टिंग को तोड़ तोड़ के ना छोटा कर देते हैं, तो ये अंदर बिल्कुल नहीं आ जा रहे। बाकी ये जो पेयर है इसमें वो वाला मेल है, इसके साथ ये वाली फीमेल है। उस मेल की फ़ीमेल जो थी ना वो मैंने अपने दोस्त को दे दी थी, क्योंकि उसके पास एक मेल था वो बहुत खूबसूरत था ना, इसके पर गिर रहे थे तो इनके जो बच्चे हैं ना उनके पर भी इसी तरह गिरते थे, ये गोल गोल हो जाते हैं ऐसे ना। तो ये देखते हैं, ये भी अंदर आ जा रहे हैं, इनका देखते हैं। देखें इन्होंने ना नेस्टिंग देखें छोटी छोटी कर दी है तोड़ तोड़ कॉकटेल ने, इनके लिए भी कोई अंडे नहीं आए, क्योंकि ये वाला पेयर जो अभी है ना ये यंग पेयर है। ये पिछले साल जो ब्रीड आई थी ना, ये वाले और ये वाले, ये पिछले साल की ब्रीड के बच्चे थे और अब ये यंग हो गए हैं, तो अब इन्होंने अंडे स्टार्ट करने हैं, लेकिन ये थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे ना, तो इसीलिए अभी तक इन्होंने अंडे नहीं दिए। ये वाले पेयर थे ना, ये ब्रीडर पेयर थे, इन्होंने अंडे दे दिए हैं जल्दी, इसने नहीं दिए, ये भी देने वाले हैं। दोस्तों एक ये चीज़ है, ये जो चूजे हैं ना ये हमारे टेम हो गए हैं, तो मैं इनको देखें अभी आगे हाथ करूँगा, ये हाथ पे आ जाएगा। वाह भाई ये देखें, ये कितना प्यारा है, ये गोल्डन स्पॉट का बच्चा है। मुझे ना ये फीमेल लग रही है, इसके ना ताज बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा अभी ना। चलो जाओ हम, चलो दोस्तों अब हम ये देखते हैं लवबर्ड का। इनकी नेस्टिंग जो थी ना मैंने यहाँ पे ऐसे ना बिछा दी थी, इन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया। इस वाले पेयर की थोड़ी सी नेस्टिंग पड़ी है, देखिए ना मैंने छोटे पीसीस करके ना, अब देखें जिस तरह ये है ना, अब ये बड़ा सारा नेस्टिंग, इसके मैंने तीन टुकड़े किए थे, एक इधर से एक इधर से, वो फिर जितने इस साइज़ के ना बन गए थे तीन थे, तो वो मैंने अंदर बिछा दिए थे। अब ये इन्होंने तो बिल्कुल खाली कर दिए इन्होंने भी, और जो इस वाले पेयर का है ना यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ से मैं रिंग नेक सेल कर दिए थे, वो क्योंकि एक्स्ट्रा थे मैंने सेल कर दिए थे, वो ना आपस में लड़ते बहुत थे। तो चलें पहले हम ये देखते हैं। वाह एक चीज अंदर बैठा हुआ है, देखता हूँ मेल बाहर है और ये फीमेल अंदर बैठी हुई है। चलो भैया तो इन्होंने एक अंडा दिया हुआ है, लगभग लटीना पचनाटा का एक अंडा है। वाह चलो अब इनको ना इनके बच्चों का इंतज़ार है, बहुत खूबसूरत बच्चे होंगे यार, मुझे येलो का ना बहुत शौक है, मैं कह रहा था कि इनके बच्चे होने ज़रूरी हैं, बाकी फिशर के तो होते रहते हैं, इनके बहुत ज़रूरी थे यार। तो फिशर के देखते हैं इनका नेस्टिंग भी हो, ये वाला प्लेयर बैठा इधर आ रहा बात करो, इनके भी अंडे मुझे लग रहा है इससे, इसके भी अंडे हैं इस पेयर के, एक अंडा तो नज़र आया है बाकी भी शायद हों। तीन ऊपर स्नाटर ने भी अंडे दे दिए हैं और ये फिशर ने भी अंडे दे दिए हैं, तो देखते हैं अब इन दोनों के बच्चे आएंगे कब आएंगे, क्योंकि इन्होंने साथ साथ ही अंडे दिए हैं, बच्चे भी साथ साथ ही आएंगे। अब इस पेयर को देखते हैं कि इन्होंने भी कुछ किया है या नहीं। वाह भाई दोस्तों ये देखें, इनका जो है ना नेस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इन्होंने बाहर बाहर तक भरा हुआ, इन्होंने दूसरे जो है ना उन्होंने छोटे छोटे काट दिए, इनका कोई अंडे वाला सीन नहीं है, तो ये बाहर ही बैठे रहते हैं। वैसे मैंने इनको देखा भी नहीं है कि कभी ये अंदर बैठे हों जब मैं आया हूँ, बाकी नेस्टिंग तो इन्होंने कर लिया लेकिन ये अंदर जा कर बैठते नहीं हैं, जैसे ये दोनों पेयर है ना ये अंदर ही बैठे रहते हैं जब मैं आता हूँ, अभी तो मैंने इनको निकाला है ना, वरना ये अंदर ही होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं बजीज के अंडे और बच्चे वगैरह अगर हुए तो, क्योंकि इन्होंने अंडे दे दिए थे, मैंने इनके देखे थे यहाँ नीचे गिरे हुए थे काफ़ी सारे अंडे ना, क्योंकि ये लड़ते हैं ना आपस में, एक साथ रह रहे हैं तो ये लड़ेंगे, आपको पता है ये बजीज लड़ते ही हैं। तो इनके अंडे देखते हैं कहाँ पर अंडे हैं और कहाँ पर कोई बच्चा वगैरह निकल आया है। तो अब ये रिंग नेक के देखते हैं, यहाँ पे रिंग नेक का मेल अंदर है और इसका जो पेयर है ये बाहर है, अभी इसका जो मेल है ना वो बहुत डरता है, वो अंदर ही बैठा रहता है, तो देखते हैं अब इसका भी कोई है सीन या नहीं। ओ ये तो मरा हुआ यार, यार एक दिन में दो दो नुकसान, पहले मेरा मुर्गा चला गया और अब ये, यार दोस्तों ये क्या हो गया। अभी मैं एक एक्स्ट्रा मेल था वो मैं दे के आया हूँ, ये वाला एक्सपायर हो गया, इसका क्या यार सीन बना।
ये देखें दोस्तों, ये है ना मसला, ये इनकी आपस में हुई है लड़ाई। ये वाली फीमेल भी इस वाले पैर के साथ ये लड़ते हैं। ये इसने देखें ये काट दिया, इसने इसके पाँव पे काटा है और ये मुझे लगता है अंदर जाके बैठा है। काफ़ी दिन से इसका चोट थी, मुझे तो ये लग रहा था कि ये डरते हैं, क्योंकि डरते हैं ना ये दोनों मेल, ये अंदर जाके ही बैठ जाते हैं। अब ये अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन देखें एक्सपायर हो गया इसका, तो यार मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये बीमार होगा। ये देखें ये वाला भी ठीक है, अब देखें ये भी अंदर चला जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको डराएंगे, ये अंदर, इसकी जो फीमेल है ना ये टेम है ना, ये हाथ इसको लगाते हैं, बाकी जो मेल है वो अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल नहीं काटती इसको, जब भी ऐसे हाथ आगे करो तो ये प्यार करवाती है। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे फ्रेंड ने मेल को भी ठीक हो जाएगा यार। एक दिन में दो दो लॉस हो गए कि हमारा मुर्गा भी चला गया, तो उसको मैं काफ़ी दिन से ही कर रहा था, ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ, और ये मेल भी आज एक्सपायर हो गया। तो अल्लाह की मर्जी, बाकी हम उस तरह का चूल्हा भी पालेंगे और मेल भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ तो दो रखने हैं ना दिन के, मेल लेके आएंगे। और जो मैंने चूल्हा है ना, वो मुर्गा है ना, उसको मैंने पाला था, मैंने चूल्हा खिलवाया था कबूतरों के नीचे, और उसे मैंने पाला था अपने रूम में, मैं अपने साथ रखा था उसे, क्योंकि तो 5 साल हो गए थे उस चीज़ को, कि मैंने 5 साल पहले उस मुर्गे को पाला था। दोस्तों ये भिगोई हुई रोटी हम जाके डालते हैं कबूतरों को, और वो जो ऊपर वाइट मुर्गियों का पैर है उसको, तो ये हमने डाल के रखी थी, ये हमने बाकी तो नीचे वाली मुर्गियों को डाल दिया, अब ये ऊपर जाके डालते हैं। तो ये चूज़ों को भी ले जाते हैं साथ ही, चूज़े उस टाइम रूम से बाहर आ गए थे जब मैं बाहर आया हूँ, तो इनको भी हम पकड़ते हैं और वहाँ लेके जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो में आज की मुझे लगता है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर ही एनर्जी नहीं थी। तो आज की हमारी वीडियो ये थी, आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे चैनल पर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।